गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मॉर्निंग का 9 o'clock हो रहा है और इतनी जल्दी मैं बाहर नहीं आता हूँ। पहले की याद आने लग गई। पहले मैं तो 7 o'clock पर उठकर जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना, फिटनेस पर ध्यान देना, वो सब होता था। लेकिन वही बात है ना कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ही सबसे बड़ा टास्क है। सो व्हाट हैपेंड, आज संडे है और संडे को मैं इतनी जल्दी एक्चुअली मैं उठता नहीं हूँ। और आज उठने का इतनी जल्दी रीज़न ये है कि यस्टरडे आई वॉज सर्चिंग अबाउट द पर्पज ऑफ लाइफ। एक्चुअली मैं आई वॉज लिटरली कन्फ्यूज यार कि व्हाट्स द एंड पर्पज ऑफ लाइफ। लाइक सम पीपल वॉन्ट्स टू अचीव फेम, नेम, मनी, राइट, ये सब चीज़ें ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट, ठीक है, फिर हैप्पीनेस के ऊपर फोकस किया जाएगा। आफ्टर दैट व्हाट, अगर इंसान हैप्पी भी है तो क्या? तो ये सारी चीज़ें पता नहीं मुझे क्वेश्चन कर रही थी और अभी भी मेरी रिसर्च इस पर इनकम्प्लीट है। आई वॉच्ड मैनी ऑफ द वीडियोस, आई एम और एक किताब भी रीड कर रहा हूँ, तो लाइक एंड रिजल्ट पता नहीं चल रहा है। सो रेदर देन फाइंडिंग दैट एंड रिजल्ट, फिर पता चला कि ये दुनिया जो है ना आपको एक कहीं ना कहीं पर्पस दे देगी और उसी पर्पस को आपको फॉलो करना है, वही वर्क को आपको करना है। क्योंकि अगर आप वर्क ही नहीं करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे और कोई भी बोर होना नहीं चाहता, तो वो ना बोर होने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना है। सो समवेयर आई अंडरस्टूड दिस थिंग, तो बस काम करना है कुछ ना कुछ। काफ़ी फिलोसॉफिकल बातें हो रही है आज, हाँ, बट यार कन्फ्यूजन है, इसे क्लियर करना है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड नाउ आई एम गोना बी शोइंग यू अ बंगलो विच आई लव द मोस्ट। तो ये वाला नहीं, वो है उसके बाद वाला है। लाइक मुझे बहुत क्लास लगा यार ये प्लेस। तो ये जो आ रहा है ना आपके पास अभी, यहाँ से स्टार्ट होता है ये वाला बंगलो, बहुत ऑसम है यार, बहुत। माल्टा की ये स्पेशलिटी है, यहाँ का आर्किटेक्चर सीरियसली। अब जैसे एक ये इच्छा हो गई कि अब ऐसा घर बनवाना है, ठीक है, फिर वो भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या। सही है। चलो तो अभी मैं बताता हूँ कि मैं जा कहाँ रहा हूँ एग्जैक्टली। मैं जा रहा हूँ, एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर एक सिम परचेज की थी, तो अब सिम मेरे पास ऑलरेडी है और मुझे सिर्फ उसमें रिचार्ज करवाना है। सो मैं सेंट जूलियंस जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं प्रीवियसली वीडियोस बनाया करता था, तो वहाँ से मैं सिम में रिचार्ज करवाने वाला हूँ। आई होप कि आज शॉप ओपन हो, क्योंकि संडे है तो माइट भी क्लोज हो सकती है। तो ऐसी कुछ जगह पर है मेरा घर, उस साइड पर रहता हूँ मैं और जा रहा हूँ सेंट जूलियंस, जो कि अराउंड 1.7 किलोमीटर है। तो मैंने सोचा कि यार वॉकिंग भी हो जाएगी साथ ही साथ और काम भी हो जाएगा और आप लोगों के लिए एक संडे मॉर्निंग का व्लॉग भी शूट हो जाएगा। सो एक्चुअली मैं आपसे बात करते करते उस रोड पर चले गया था और मुझे जाना इस वे पर है। गूगल मैप ये वाला वे शो कर रहा है। तो यस, एक बार मैं इस रूट पर आ चुका हूँ, अब मुझे याद नहीं आ रहा कब आया था मैं, बट मैं आ ज़रूर चुका हूँ क्योंकि मुझे फैमिलियर दिखता है। हर कंट्री की एक अपनी स्पेशलिटी होती है, ये तो है। बस एक्सप्लोर करो, जितना एक्सप्लोर करने का आपको मौका मिल सकता है, इससे बड़ा एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता। मुझे, मैं अपने आप को ग्रेटफुल इसलिए मानता हूँ क्योंकि एक तो मुझे देश घूमने का मौका मिलता है और साथ ही साथ नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उनकी सोच पता करने का मौका मिलता है। तो बहुत आइडियाज़ पता चलते हैं जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो। और अब मैं वॉक करते करते कुछ अलग ही प्लेस पर आ चुका हूँ। इस रोड की तो 12 बजी पड़ी है, आई थिंक यहाँ से कोई आता नहीं होगा इसीलिए, पर ठीक है, क्योंकि गूगल मैप के थ्रू इसी वे से बता रहा है वो जाने के लिए। एंड देन फिर यहाँ से हम डाउनवर्ड जाएंगे इस तरफ, उस तरफ है सिंजू। ऑलराइट, सो गाइस, अभी तक मेरे पास मास्क नहीं था इसलिए मैं अपना फेस शो नहीं कर रहा था। सो फाइनली वी हैव गॉट मास्क और अभी मैंने यहाँ से परचेज किया, 1 euro का मास्क हो गया यार, 85 rupees का मुझे मास्क परचेज करना पड़ा। तो दिस इज़ द प्लेस सेंट जूलियंस, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन माल्टा। तो व्यूज़ देखो इसके।
गाइस, सो गाइस फाइनली रिचार्ज इज डन शॉप से और मैं यहाँ पर थोड़ी देर अब बैठने वाला हूँ, सीन को एंजॉय करेंगे एंड देन फिर घर जाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। इट वाज जस्ट अ शॉर्ट व्लॉग जो मैं आपको बताना चाह रहा था, सिर्फ मॉर्निंग का और संडे का कि कैसा होता है। तो लाइक इट्स लाइक दैट ओनली, पीपल कम ऑफ्टन हियर फॉर जॉगिंग। पूरा वो स्ट्रीट जो दिख रही है सामने वाली, वो जॉगिंग करते रहते हैं। तो ये सीन, तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।